नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण के दौरान देश भर में चुनिंदा स्थानों में 100 नए 5G लैब का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में बहुत ही अलग होने जा रहा है। खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारे टेक रेवोल्यूशन का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हम यहाँ 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। पूरी दुनिया भारत को हैरत की नज़रों से देख रही थी। हमने दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट किया है और हर भारतीय तक 5G पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंच गए हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री को दूरसंचार के क्षेत्र में उनकी कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया। रिलायंस जियो भारत के पहले दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में से उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा जियो स्पेस फाइबर प्रदर्शित करती है। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जियो ने अपने नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का प्रदर्शन भी किया। अगली खबर, गाजा में इसराइल हमास युद्ध के लगभग 7,000 लोगों के मारे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया गया हो और पूछा कि मानवता कब जागेगी। एक्स पर हिंदी में पोस्ट में एक प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया गया हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी कोई गरिमा नहीं है जिसका उल्लंघन न किया गया हो, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका उल्लंघन न किया गया हो। प्रियंका गांधी ने पूछा कि इंसानियत कब जागेगी। इतने सारे लोगों की जान गंवाने के बाद, इतने सारे बच्चों की बलि चढ़ाने के बाद, क्या इंसान होना चेतना बची है, क्या अभी भी अस्तित्व में थी। उनकी ये टिप्पणी गाजा द्वारा इसराइल हमास युद्ध में मारे गए 7,000 लोगों के नाम जारी करने के एक दिन बाद आई है। 7 अक्टूबर को हमास के सदस्यों द्वारा इसराइल पर हमला करने से कम 1400 लोगों की मौत हो गई थी। लड़ाई के 21वें दिन में प्रवेश कर गई है। हमास के लिए हमले के बाद से गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल में जवाबी बमबारी में 7,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्रतिष्ठान समारोह के लिए एक वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह एक सप्ताह पहले अगले साल 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। वाराणसी के वैदिक पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित 22 जनवरी 2024 को रामलला के अभिषेक समारोह का मुख्य अनुष्ठान करेंगे। ज्योतिषियों और वैदिक पुजारियों से परामर्श के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी दोपहर 12 बजे से लेकर 12:45 तक के बीच राम परामर्श मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। राय ने कहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री की उपस्थिति में समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आमंत्रित अतिथि प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही रामलला के दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव संपत राय ने कहा कि ट्रस्ट में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान समारोह के लिए सभी संप्रदायों के 4,000 संतों का आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट ने समाज के सभी क्षेत्रों के 2500 प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया है। इनमें वैज्ञानिक, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, मृत कार सेवकों के परिवार के सदस्य और कलाकार शामिल हैं। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। राय ने कहा कि हमने समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के 100 से अधिक मालिकों को भी आमंत्रित किया है। राम जन्मभूमि परिसर की जगह उपलब्धता के अनुसार लोगों को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। मेहमानों को अपना आधार कार्ड लाना होगा। अगली खबर, 7 अक्टूबर के हमले में इसराइल में 1400 लोगों की हत्या और 2222 लोगों को बंधक बनाने वाले हमास ने कहा है कि इनमें से 50 बंधक इसराइल की हवाई हमलों में मारे गए हैं। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने समूह के टेलीग्राम चैनल में एक पोस्ट में कहा कि अल कसम ब्रिगेड का अनुमान है कि ज़योनी हत्याओं और नरसंहार के परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी में मारे गए ज़योनी बंधकों की संख्या लगभग 50 लोगों तक पहुँच गई है। लेकिन कुछ इसराइली खुफिया सांसदों की रिपोर्ट है कि हमास ने 50 बंधकों को मार डाला है और इसका दोष इसराइल पर लगाया जा रहा है। तेल अवीव ने बंधकों के परिवार और दोस्तों से विरोध प्रदर्शन किया और गुरुवार को म्यूजियम स्क्वायर के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुआ है।
अगली खबर, अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा भारी गोलाबारी के बाद कई नागरिकों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में शरण ले ली है। इसमें सुरक्षा बल के 2 जवान और 1 महिला घायल हो गई हैं। अगली खबर, अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा भारी गोलाबारी के बाद कई नागरिकों को उनका घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इसमें सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान और 1 महिला घायल भी हो गए हैं। बीएसएफ में एक बयान में कहा गया है कि अरनिया क्षेत्र में बीएसएफ चौकियों पर पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा अकारण गोलाबारी शुरू कर दी गई, जिसका बीएसएफ जवानों ने द्वारा मकूल जवाब भी दिया जा रहा है। अन्य सेक्टर में गोलाबारी में आधा दर्जन अग्रिम गांव को निशाना बनाया गया है। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने सुतेजगढ़ सेक्टर 3 के गाँव वालों पर गोलाबारी कर दी। रेंजर्स की ओर से नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर कुछ मोर्टारें गोले भी दागे गए हैं। पुलिस ने बताया कि रात 11 बजे तक भारी गोलाबारी जारी रही थी। इसके बाद रुक रुक कर फायरिंग होती हो रही है। अरनिया सेक्टर में फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। उनका पहचान कर्नाटक के बसवराज SR और शेर सिंह के रूप में की गई है। घायल महिला की पहचान अरनिया के वार्ड 5 निवासी बलवीर सिंह की पत्नी रजनी बाला के रूप में हुई है। घायलों को निकालकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में भर्ती कराया गया है, जहां उपस्थित डॉक्टरों के उनकी हालत स्थिर बताई है। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू होने से सीमा पर रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। बहुत से मजदूर जो खेतों में काम करने आए थे, सुरक्षित इलाकों में शरण लेने के लिए गांव छोड़कर चले गए हैं। 17 अक्टूबर को इस सेक्टर में रेंजर्स द्वारा अकारण गोलाबारी की गई। बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। इसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा गोलीबारी फिर से की गई है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा और IB पर युद्ध विराम का सख्ती से पालन करने के लिए 25 फरवरी 2021 को एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। अगली खबर, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्हें लेकर सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। इसी बीच शुक्रवार को आजम खान के करीबियों पर IT विभाग ने छापेमारी की है। रामपुर में सपा नेता के करीबियों के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग की टीम लोग दिल्ली से रामपुर पहुंचे हैं, जो कई जगहों पर छापेमारी की कार्यवाही कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीम पहले समाजवादी पार्टी के नेता फरहत खान और सावेज खान के घर पहुंची और फिर अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। स्थानीय रामपुर पुलिस भी मौके पर कानून व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को यह तक कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले आजम खान के घर और ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और अब उनके करीबियों के घर आयकर विभाग अपनी छापेमारी कर रहा है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस केस में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी 7-7 साल की सजा मिली है। तीनों फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं। आजम खान जहां सीतापुर की जेल में हैं, तो उनके बेटे हरदोई की जेल में और पत्नी रामपुर की जेल में बंद हैं। उन्हें लेकर प्रदेश की सियासत भी तेज है। सपा और कांग्रेस दोनों ही आजम खान को समर्थन देते हुए BJP सरकार की आलोचना कर रही है। इस बीच दोनों पार्टियों की जुबानी जंग भी चल रही है। सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आजम खान पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को सीतापुर जिले में आजम खान से मिलने भी गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अगली खबर, कतर की अदालत में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से भारत बेहद हैरान है। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 8 भारतीय हैं कौन और कतर में क्या कर रहे थे और कब से जेल में बंद हैं। सभी पूर्व अधिकारियों में भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। इन लोगों ने प्रशिक्षक सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। साल 2019 में कमांडर पुनेंद्र तिवारी को प्रवासी भारत सम्मान से सम्मानित भी किया गया था, जो प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 8 भारतीय निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टी सर्विस के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर में नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनियां नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। कंपनी का स्वामित्व रॉयल ओमान वायुसेना के सेनावृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी के पास है। अजमी को भी पिछले साल भारतीयों से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में उसे रिहा कर दिया गया था। मई में देहरा ने दोहा में अपने परिचालन बंद कर दिया और वहां काम करने वाले सभी लोगों को घर लौट आए थे। दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है, वे सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। ये अधिकारी पिछले अगस्त से ही कतर की जेल में बंद हैं। हालांकि उनका क्या गुनाह है, अब तक यह पता नहीं चल पाया है।
क्योंकि ना तो भारत और ना ही कतर के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट से दावा किया जा रहा है कि 8 भारतीयों को जासूसी के मामले में जेल में बंद किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।